मैं मुंशी के कहने पे एक मौका और देता हूं। ऐसा करो कि तुम सब अपनी अपनी जमीनें मेरे आगे बेच दो, पुराने दाम से 1% ज्यादा दूंगा। मंजूर है? मंजूर है? बोलो। सोच क्या रहे हो, इन जमीनों पे अपने मकबरे बनवाओगे क्या? हाँ करो चौहान साहब को, करो हाँ। ओ इतनी जल्दी भी क्या है? क्या बात है चौधरी साहब, जिरगा बुलाया और बताया भी नहीं। ओ भाई ये जिरगा है, वलीमे की दावत नहीं, मैं सारों को पैगाम भिजवाता। हाँ तो मैं ये कह रहा था कि आप। ओ एक मिनट जनाब बेअली, इतनी जल्दी भी क्या है? पहले हमें ये बताओ कि हमारे नुकसान की भरपाई कब करोगे? भरपाई? कौन सी भरपाई? वो आपके आदमी की नाअहली की वजह से हमारी फसलें बर्बाद हुई, इस नुकसान की भरपाई कौन करेगा? गलत बात मत कर इफ्तिखार, तेरी फसलें तेरी अपनी नाअहली की वजह से तबाह हुई। फसल में नाला क्या चौहान साहब ने बनवाना था? क्यों ने बनवाया नाला? काम चोरी खुद करो और इल्जाम दूसरों पर आप जारी रखे चौहान साहब। हाँ तो मैं कह रहा था कि जमीनों के कागजात तैयार हैं, अंगूठे लगाओ और पूरी कीमत ले जाओ। वाह जी वाह, मुझे तो लगा कि इन्होंने हमें यहाँ हमारी मदद के लिए बुलाया है। ओ मदद ही तो कर रहे हैं, तुम्हारी जमीन खरीद कर तुम सबका बोझ बांट रहे हैं। ओ इन गरीब किसानों की बची कुची जमीन लेकर कौन सी मदद कर रहे हो तुम? इफ्तिखार बैठ जाओ। ओ क्यों बैठ जाऊं? तुम लोगों की खामोशी देख के तो लग रहा है कि तुम्हें ये सौदा मंजूर है। हाँ हाँ मंजूर है, ये सब अकल वाले, ते इतना अखड़ नहीं है। वाह जी वाह, फिर तो बात ही खत्म ना। फैसला हो गया कि हम अपने हाथ कटवा कर इसकी गुलामी की जंजीरें पहन लेंगे। ओ जमीन किसान का गुरूर होती है, अपने गुरूर का सौदा करने आए हम। ओ इस हवान ने हमारी जमीनें हत्याने के लिए हमारी फसलों में पानी छोड़ा है और आज यहाँ बैठा हमारी जमीन का सौदा कर रहा है। ओ इसकी आंखों में आंखें डाल के इसको ललकारो, पूछो कि क्यों किया इसने ये। यहाँ बैठ गए हो घुटने टेक के? चौधरी हशमत कान खोल कर सुन ले, मेरी तरफ से ये सौदा नामंजूर। ओ मेरी जमीनें मेरे बाप दादा की विरासत है, अमानत है वो मेरी, मैं गर्दन कटवा लूंगा, सौदा नहीं करूंगा। और तुम सब किसान हो यार, दोबारा काश्तकारी करो, किसी की गुलामी नहीं। देखिए पसे दीवार जुम्मा रात 8 बजे सिर्फ ग्रीन एंटरटेनमेंट पर।